सुल्तान रिज़वी पब्लिक चैनल से। एक बार फिर मुमरा शहर में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है और इस कांग्रेस पार्टी में फिर से नए तरीके से जान फूंकने का काम यहाँ के कुछ नौजवानों ने किया है और कुछ वरिष्ठ समाजसेवकों ने बीड़ा उठाया है, जिसमें हमारे शहर के चर्चित समाजसेवक और पत्रकार लाल मोहम्मद शेख हैं, जिन्होंने कांग्रेस को मुमरा शहर में आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है और उम्मीद है कि कांग्रेस आगे बढ़ेगी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इनको एक अच्छा जनप्रतिनिधि और बेहतर काम करने वाला समाज सेवक समझ करके इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। मुमरा शहर में ब्लॉक अध्यक्ष का पद सौंपा है लाल मोहम्मद शेख को और इसी के साथ एक प्रोग्राम भी हुआ था जिसमें जो है बाकायदा बड़े नेता भी आए हुए थे, कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जो है अनीस कुरैशी और उनके साथ भी दूसरे नेता आए हुए थे, जिला अध्यक्ष नूर अमीन खतीब भी थे, कई लोग थे उनकी मौजूदगी में जो है वो सबको नियुक्ति पत्र जो है वितरित किया गया, शहर के कई माने जाने पत्रकारों को भी और दूसरे समाज सेवकों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, किसी को वार्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, किसी को उपाध्यक्ष बनाया गया है, किसी को वहाँ सचिव की जिम्मेदारी दी गई है और कुछ तेज तर्रार महिलाओं को भी जो है नियुक्ति की गई है, उनको भी जो है इस जिम्मेदारी का पद दिया गया है। और जब से जो है प्रियंका जी ने कांग्रेस में प्रवेश किया है तब से जो है औरतों में भी थोड़ा जो है तेजी आई है, महिलाएं भी जो है उत्सुक हुई हैं पार्टी में रह करके काम करने के लिए। और लाल मोहम्मद शेख की तरफ से आए हुए नेताओं का शुक्रिया भी अदा किया गया, उनका स्वागत किया गया, फूलों का गुलदस्ता दिया गया। आइए हम खुद लाल मोहम्मद शेख से पूछते हैं कि आपने क्यों कांग्रेस में प्रवेश किया। मोहम्मद जी, आप कैसे कांग्रेस में, अचानक कैसे आपका दिल हुआ कि हम कांग्रेस में रह करके काम करें, आपको क्यों ऐसा महसूस हुआ? नहीं, मैं सबसे पहले इस चैनल का शुक्रगुजार हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अचानक से नहीं है, मेरे दिल में बहुत दिनों से ये चीज़ें हो रही थी कि यार कोई कांग्रेस पार्टी में अच्छे चेहरे जो है आना चाहिए और इस पार्टी को आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए जिस तरीके से आज की जो सरकार है और जो मुसलमानों के लिए मतलब या दलितों के लिए या सिख या ईसाई के लिए जो कर रही है आज ये सरकार, ये कहीं ना कहीं एक अन्याय हो रहा है और इनके साथ अन्याय ना हो इसलिए हम अच्छे लोगों को मतलब आना चाहिए इस पार्टी में। और हम जैसे लोग खाली एक सरकार के ऊपर उंगली उठाते हैं लेकिन हम आगे आते नहीं हैं, तो हमारा उंगली उठाने का भी हक नहीं है अगर हम आगे नहीं आते। तो यही सब चीज़ें थी कुछ कि भाई हमको आगे आना है और इस सरकार के खिलाफ हमको लड़ना है, ताकि ये सरकार जो है जिस तरीके से आप देख सकते हो, आप जानते हो, आप भी इस मुद्दे के ऊपर आप रह चुके हो कि जिस तरीके से रातों रात नोटबंदी कर दी गई और काफ़ी लोग आज आपने देखा रहेगा कि बेचारे गरीब लोग जिनके अकाउंट में 2000 10000 15000 रुपए थे वो बेचारे लाइन में खड़े रह गए, पुलिस के डंडे भी खाए, धूप में खड़े रहे, कितनी लड़कियों की शादी टूट गई। तो ये सब चीज़ें हो गई बहुत सारी, जैसे कि अभी जस्ट आपने देखा है कि पुलवामा हमला, इतना बड़ा हमला, एक आतंकवादी हमला आपके क्षेत्र के अंदर और आपके इंडिया के अंदर, मतलब इतनी बड़ी आईडीएस लेके हमला कर दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत, तो ये सब चीज़ें देख के हम बोले नहीं यार चलो कोई आगे आना चाहिए और मतलब एक हक की बात बोलने के लिए, चाहे हमारा सर कट जाए इंशाल्लाह ताला हम हक की बात हमेशा बोलेंगे। और इस पार्टी में रह करके आपकी आगे की रणनीति क्या है, शहर में कुछ आप नया करने वाले हैं? शहर में बिल्कुल ये हमारी जिम्मेदारी है और मैं तो जानता हूँ कि जितने हमारे जो लोग जिम्मेदार हुए हैं नए, उनकी सबकी जिम्मेदारी है, जो जिस शहर में आप रहते हो या जिस मुल्क में आप रहते हो उसकी जिम्मेदारी आपको उठाना है और आपको उसकी जिम्मेदारी निभाना भी है। हम कोशिश करेंगे
कि हमारे बहुत सारे बच्चे जो है आज पढ़े लिखे जो बेचारे बच्चे आज मार्केट के अंदर कपड़ा बेच रहे हैं, मोबाइल बेच रहे हैं या कुछ अपना काला बटाटा बेच रहे हैं, और तो ये कोई उनकी जिंदगी नहीं हुई है, ये कोई नौकरी नहीं। आज पढ़ा लिखा के माँ बाप का हर सपना होता है कि हमारा बच्चा कहीं नौकरी लगे। कोशिश करूंगा कि कुछ बच्चे कहीं नौकरी पे लग जाए, कोई गवर्नमेंट जॉब पे लग जाए, तो थोड़ा सा उनको भी एक राहत कहीं ना कहीं। खुदा ना खास्ता अगर हमारी जिंदगी नहीं रही तो कदम से याद तो करेंगे हम। अभी आप कांग्रेस में रह करके और जो आप का एक ग्रुप है कांग्रेस का, जो आपने एक ग्रुप बनाया हुआ है और जो आपके साथ हैं, तो क्या आने वाला जो चुनाव रहेगा थाने महानगर पालिका का, तो आप अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अभी ये कैंडिडेट का जो फैसला है और ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे राहुल गांधी साहब है और ये बड़े जिम्मेदार लोगों का फैसला है, और अगर वो चाहेंगे तो जरूर खड़े होंगे। और अगर हमारी पार्टी अगर मतलब हमारे जिम्मेदार लोग नहीं चाहते हैं या कुछ उनकी रणनीति जो भी आगे का है वो फैसला वही करेंगे। तो आपको उम्मीद है कि एक बार फिर मुमरा शहर में कांग्रेस पार्टी फिर पूरी तरीके से उत्थान पे आएगी, जिस तरीके से आज के 8 से 10 साल पहले सिर्फ कांग्रेस ही नजर आती थी मुमरा शहर में, कांग्रेस का बोलबाला था, कांग्रेस के एक बड़े लीडर जो है नईम खान थे, और नईम खान महापौर तक रह चुके हैं, राज्य मंत्री का दर्जा उनको मिल चुका है, लेकिन जब से कांग्रेस के मुकाबले एनसीपी आई है और आमदार जितेंद्र आवाड़ ने अपना सिक्का जमाया है मुमरा शहर में, तब से थोड़ा नहीं बहुत ही धीमे पड़ गए। कांग्रेस तो समझो खत्म के बराबर हो गई थी और जो बड़े नेता थे वो भी समझो बिल्कुल हट गए थे और उन्होंने अपनी दिलचस्पी खत्म कर दी थी नईम खान ने। तो इस वजह से अब दूसरे लोग आए हैं जैसे गफूर रुमानी हैं और नूर भाई हैं, नूर अमीन खतीब हैं, दूसरे और लीडर हैं, तो उन लोगों के साथ मिलकर के फिर आप लोग जान फूंकने का काम करेंगे इस मुमरा शहर में? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला, मैं इस न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ हमारे सोनिया गांधी जी को और प्रियंका जी को, राहुल गांधी जी को, कि सिर्फ मुमरा शहर में नहीं, इंशाल्लाह ताला हम लोग मिलके एक वक्त ऐसा लाएंगे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर वापस हर एक एक कोने में, एक एक देहात में, एक एक शहर में इंशाल्लाह ताला वापस कांग्रेस खड़ी होगी और कांग्रेस को खड़ा करने का काम हम लोग जरूर पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। ये थे हमारे लाल मोहम्मद शेख, जो कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के ब्लॉक अध्यक्ष है मुमरा शहर के, पार्टी ने इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और इनका कहना है कि हम जरूर जो है मतलब मुमरा शहर में कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे, आने वाले इलेक्शन में हम अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में। तो इससे ये उम्मीद की जाती है कि कांग्रेस एक बार फिर मुमरा शहर में अपना जो है वर्चस्व स्थापित करेगा और ये कांग्रेस जो है आगे बढ़ेगा और यहाँ के नेता जो है कारपोरेटर भी बनेंगे और सभापति भी बनेंगे, और अगर कांग्रेस की हुकूमत आ गई तो और ज्यादा जो है कांग्रेस का झंडा बुलंद होगा। सुल्तान रिज़वी, पब्लिक चैनल न्यूज़, नमस्कार।